सेल्फ हेल्प सब मार लिया मैंने इसमें, और दीदी 10 मिनट से मार रही थी वही नहीं, ऐसे ऐसे वैसे हो रही है, चौक तो है नहीं इसमें भाई लगा। कल ही कर देते ना ये काम। हाय गाइस वेलकम बैक टू चैनल, आई होप यू आर वेल। तो भाई प्लान ये भी मेरा व्लॉग करने का कुछ सीन नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक दिन से बहन का फोन आया कि जल्दी आ रहा है, वो स्कूटी वोटी खराब होगी। वो ना स्कूटी ने सेम दिक्कत कल भी दी थी, वो स्टार्ट नहीं हो रही सेल्फ से ना, किक से किसी भी चीज़ से स्टार्ट नहीं हो रही। अभी फटाफट से जाता हूँ, देखता हूँ क्या दिक्कत आ रही है, और फिर देख वहाँ से उनको भी लेके आना पड़ेगा, क्या कहते हैं यार उनको, अरे जो भी है मिस्त्री भैया को, वो चेक करेंगे, उनके पास लेके जाऊँगा। देखते जैसे भी होगा उनके, मतलब उनके थोड़ा पास में हुई है, बताया बहन ने वो कहाँ स्कूटी खराब हुई है, तो उनकी दुकान पास में ज़्यादा दूर नहीं है, फटाफट चलते हैं। इसने स्कूटी ने पहली बार भी दिक्कत करी थी। तो भाई सीन ये है कि ना स्कूटी होगी खराब, अब खराब कैसे हुई, वो ना कल भी सेल्फी ले रही थी, और 2-3 पहले सर्विस हुई है, वो कल भी सेल्फी ले रही थी, मैंने जाके देखा था, 2-3 सेल्फ में ठीक में स्टार्ट हो गया, मैं दिखा के लाया, बट वो भैया के वहाँ ना बिल्कुल स्टार्ट कोई दिक्कत नहीं दे रही। तो वो कह रहे भैया जब सेल्फ ना ले या ठीक ना ले तो मेरे को फ़ोन करना, अभी जा रहा भैया को लेता हूँ, फिर जाऊँगा स्कूटी के पास, देखते हैं क्या इलाज करना है इसका, क्या नहीं करना, अभी बात कर नैन को ले लूँगा पहले मैं। भैया फटाफट चलो यार, सेल्फ हेल्प सब मार लिया मैंने इसमें, और दीदी 10 मिनट से मार रही थी वही नहीं, ऐसे ऐसे वैसे हो रही है, चौक तो है नहीं इसमें, किस चीज की दिक्कत है, है? चलो धक्का मार लेते नहीं हो रही, प्लग खोल दे, प्लग ही खराब है इसका, प्लग ही खराब होगा, निकालने जरूरत तो नहीं सामान। सेल्फ का ही है ये, हैं? लाइट जलती है डिग्गी में। अच्छा। मिल गया प्लग? भाई पूरी स्कूटी खोल दी एक प्लग के लिए, हैं? क्या खराब है? मैंने कहा रखा रात में सामान, खराब है, लगा दिया, लगा रहा है। चलो भाई लगा, कल ही कर देते ना ये काम, एक बार किसी भी स्टार्ट करके देख ले। ये भी बैक मार्क में लगी क्या? अरे मैं तो भाई सीन ऐसा है कि स्कूटी हो चुकी है ठीक, इसके जो स्पार्क क्लब याद आ रहा है प्लग को, स्पार्क प्लग ना खराब हो गया था, तो मैंने कहा मैं कल भी आया था भैया का, मैंने कहा कल ही कर देते हैं, पर अब वो ये ना कि पता नहीं चल रहा कि वो कब तो स्टार्ट हो गई एकदम से, भाई एक उसमें सेल्फ में स्टार्ट, अब वही नहीं, अब ये देने जा रहा हूँ दूसरी स्कूटी, पीछे वो लड़का आ रहा है लेके, फिर उसको छोड़ूंगा दुकान पर, फिर घर जाऊँगा मैं, घर है खाना खाना, मैं खाना छोड़ जाया हूँ अपना स्पेशली, अब ये छोड़ के फिर इसको छोड़ूंगा फिर घर जाऊँगा, पूरा इतना लंबा बढ़ गया हिसाब के साथ। तो भाई अभी बता रहे हैं 6:05 बजे गया था मैं, 5:05-10 के करीब पूरी स्कूटी ठीक करा दी, उसके स्पार्क प्लग में कितनी हज़ार थी, अब जो भी है हो गया काम, मैं कह रहा था कि भैया पहले ही कर दो, उनको कहना भी ठीक था, मैंने बताया था
क्यों कह रहे भैया अभी स्टार्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, एक बार बंद नहीं हुई ना, आगे एक बार कल, और आज तो भाई साहब वो स्टार्ट नहीं हुई, उन्होंने भी बहुत चेक कर लिया, अब कुछ नहीं हुआ, फिर हो गया। अब फटाफट से खाना खा लेता हूं, बहुत तेज भूख लग रही है मेरे को। जीविका बड़े दिन बाद आई, बड़े दिन बाद, बड़ी पतली हो गई हाँ, कितनी बड़ी होगी? चाचू आ गया, कैसे उंगली पकड़ रखी है? माँ जी बुला रही है, माँ जी भाई सीन ऐसा है कि ना, मैं गया भी सामान लेने, कुछ मम्मी ने बोला था सामान ला दे, तो मैं गया बाहर सामान लेने, भाई मेरे को इतनी नींद आ रही, इतनी नींद की जब की आ रही ना, पता नहीं क्यों, हो सकता है कि मैं जल्दी उठा इसलिए, और दूसरी चीज़ की वैक्सीन लगी है, हो सकता है उसकी वजह से भी थोड़ी थकावट सी लग रही है। वैसे मेरे को दर्द वर्द कुछ नहीं है, बहनों को तो दर्द भी हो रहा है, एक सेकंड रुको, हाँ बहनों को तो दर्द भी हो रहा है, मतलब थोड़ा वो भी वॉमिटिंग सेंसेशन भी हो रही है और बुखार जैसा भी लग रहा है, बट मेरे को तो 1% कुछ नहीं, तो हो सकता है कि थकावट हल्की फुल्की हो रही हो, और मैं सुबह उठाऊँ जल्दी इसकी वजह से भी नींद आ रही है, और मैं काम मतलब जो काम वाम था वो भी कर ली है, इसलिए अभी मेरे को जाना पेट दिखाने अपना, जो पेट में दिक्कत हो रही है, और ना मेरे को दूसरी चीज़ कि डॉक्टर के भी जाना था कल, अभी सब कुछ डिपेंड करता है मेरे पेट पे, अगर जो चीज़ मतलब पेट में हो रही है वो ठीक होगी तो जा सकता हूँ, अगर नहीं हुई तो मेरा स्कूटी चलाना भी बंद है थोड़े दिन, और वो भी क्या कहते हैं गाड़ी वाड़ी का भी, वो तो अभी पता चलेगा जब मैं वहाँ से आ जाऊँगा अंकल के पास दिखा के। देखो भाई क्या बढ़िया लग रही है लाइफ, मैं स्पेशली ना स्पेशली अभी पार्किंग में इसलिए आया हूँ क्योंकि ना मेरे को लाइट दिखानी है आपको, एक तो वो अभी जो लाइट चेंज हुई है वाइट लाइट वो, और इसकी एम्बिएंट लाइट और एटमॉस्फेयर लाइट बढ़िया लग रही है, तो लेट्स गो। अब करिए पार्किंग लाइट ऑन, ये देखो क्या थ्रो आ रहा है, एक नंबर भाई कसम से, बहुत ज़बरदस्त लाइट लग रही है, एक नंबर। मैं बाहर निकाल दूँ अगर गाड़ी तो भाई फाइनली आ गया मैं घर, और भाई गाड़ी एक नंबर लग रही है, क्या गाड़ी लग रही है, क्या लाइट का थ्रो आ रहा है, मतलब कैमरे में इतना नहीं पता चल रहा जितना मैं जब ऐसे डिपर मार के देखा था ना एक बार, भाई नेक्स्ट लेवल लग रहा है, कसम से बोल रहा हूँ नेक्स्ट लेवल, बहुत ही गजब चीज़ लग रही है, और ऑलरेडी इसके चेंज हो नहीं पाया, चलो वो तो कोई बात नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि मम्मी को मना कर दिया गाड़ी चलाने के लिए भी, उसके लिए भी स्कूटी के लिए वो लगेंगे यार, वो क्या कहते हैं उसको, गड्ढे वड्ढे में जाएंगे ना, तो वो ना भिलने की दिक्कत है कुछ, मतलब जो तो थोड़े होंगे ना यार, कैसे बताऊँ मैं आप लोगों को, कोई किसी किसी को समझ आ जाएगी ये चीज़ क्या होती है, किसी किसी को हो सकता है ना भी आए, तो वो पेट में ही होती है, तो उसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए तो अब नहीं चला सकता मैं स्कूटी, मतलब बाइक वाइक कुछ नहीं चला सकता, और हमने ना स्कूटी का धक्का भी लगा लिया, इसकी वजह से थोड़ी और ज़्यादा दिक्कत होगी, पर अब जो भी है जो तो अच्छे होता, मैं तो ये मानता हूँ, शायद करते हैं इस ब्लॉग को भी, सो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब चैनल, टेल मैं टेक करा गुड डे। और भाई दूसरी चीज़ की आज ये तीसरा ब्लॉग है मेरा सेम कपड़े में, कोई बात नहीं देख लेना भाई को क्या हो गया, ठीक है, जय हिंद, अमुक तन्वर साइनिंग ऑफ।